हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 खबरें। सो लेट्स बिगिन। फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का नया गाना सजना वे सजना हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसमें राजकुमार राव और शहनाज गिल की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। इस गाने में शहनाज अपने सेक्सी ठुमकों से फैंस का दिल जीत रही हैं, जबकि राजकुमार अपने चार्म से गाने में चार चांद लगा रहे हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हाल ही में मैडॉक यूनिवर्स से जुड़े अमर कौशिक ने भेड़िया 2 को लेकर एक नया अपडेट शेयर किया है। आपको बता दें कि फिल्म में कई सारे कैमियो की उम्मीद की जा रही है, लेकिन VFX और टेक्निकल चीजों के कारण फिल्म को थिएटर में पहुंचने में वक्त लग सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भेड़िया 2 आएगी, थोड़ी देर से आएगी, लेकिन आएगी जरूर। बॉलीवुड के जाने माने सिंगर अदनान सामी के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल अदनान सामी के सिर से उनकी मां का साया हट चुका है। जी हां, उनकी मां बेगम नौरीन सामी खान 77 साल की थी और इस खबर की पुष्टि खुद अदनान सामी ने की है। अदनान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फैंस को अपनी मां के देहांत की खबर दी और इस पोस्ट में अदनान सामी ने अपनी मां की एक प्यारी सी तस्वीर भी शेयर की। कोरियोग्राफर जानी मास्टर को इस साल नेशनल अवार्ड मिलने वाला था, जिसे अब सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। दरअसल हाल ही में INB मंत्रालय ने नेशनल फिल्म अवार्ड सेल ने बयान जारी करते हुए जानी मास्टर का अवार्ड सस्पेंड करने की जानकारी शेयर की है। आपको बता दें कि इसके पीछे का कारण जानी मास्टर पर लगे रेप के गंभीर आरोप है, जो उनके असिस्टेंट कोरियोग्राफर रही एक महिला ने लगाए हैं। आलिया भट्ट और वेदांग रैना की फिल्म जिगरा 11 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। अब उसके पहले हाल ही में मेकर्स ने इसका टाइटल ट्रैक रिलीज किया है, जिसे खुद वेदांग रैना ने अपनी आवाज दी है। बता दें कि ये टाइटल ट्रैक एक मोटिवेशनल एंथम है, जिसके लिरिक्स वरुण ग्रोवर ने लिखे हैं। टाइटल ट्रैक में वेदांग की आवाज फैंस को काफी पसंद आ रही है और कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफ की जा रही है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी फिल्म सिंघम अगेन के ट्रेलर लॉन्च के दौरान रणवीर सिंह ने खुलासा किया है कि ये उनकी बेटी की डेब्यू फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म के दौरान दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट थी। वहीं रणवीर का ये कहते हुए वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस इस पर जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं। पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान लगभग 8 साल बाद बॉलीवुड में वापसी करने जा रहे हैं। इस फिल्म में फवाद की जोड़ी वाणी कपूर के साथ बनी है और अब इस फिल्म के टाइटल से भी फाइनली पर्दा उठ गया है। जी हां, फवाद और वाणी की इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का नाम अबीर गुलाल होने वाला है और फिल्म की शूटिंग लंदन में शुरू हो चुकी है। बता दें कि ये फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। 2020 में आई वेब सीरीज फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स को दर्शकों का काफी प्यार मिला था। वहीं अब इसका नया सीजन फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइफ्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइफ्स का प्रीमियर 18 अक्टूबर 2024 से नेटफ्लिक्स पर होने वाला है और ट्रेलर में तमाम सितारों की झलक भी दिखाई दे रही है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में को 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में उनकी अदाकारी की तो काफी तारीफ हुई, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। वहीं अब खेल खेल में अपने OTT रिलीज के लिए तैयार है। जी हां, आपको बता दें कि खेल खेल में का प्रीमियर 9 अक्टूबर 2024 से OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होने वाला है। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का एक वीडियो सामने आया है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में श्रद्धा को भारी लहंगा पहने देखा जा सकता है और इस दौरान श्रद्धा को भारी भरकम लहंगे की वजह से चलने में भी काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से अब उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। आज के लिए मायापुरी टॉप 10 में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए मायापुरी के साथ जुड़े रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।